हेलो एवरीवन, मैं हूँ उदय उइके। अभी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ, थर्ड ईयर। तो आज आपके सामने कुछ शायरियाँ पेश करना चाहूँगा। तो शुरुआत करते कि एक स्टार्टिंग में कुछ टू लाइनर्स है, आई होप यू लाइक इट। कि मासूम था ये दिल, तूने इसे शायर बना दिया। अब बोलते हैं ना कि जो शायर होते हैं पोएट्स थोड़े नटखटी मिजाज के होते हैं। तो मासूम था ये दिल, तूने इसे शायर बना दिया। कमबख्त लड़ता था खुद से, तूने इसे कायर बना दिया। अभी लोग लड़ते हैं, पर वो लड़ने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो उस इमोशन पे लिखा है मैंने, ये जिंदगी भर की चाहत है, ये जिंदगी भर की चाहत है, शायद इसीलिए ही दिल को बस तुमसे शिकायत है। हाँ, और कुछ कुछ लोगों को उदास नहीं देख सकते ना, कि हमेशा चेहरे पे खुशी चाहिए रहती। तो उन लोगों के लिए, तेरी गुमसुमियत में कैद हूँ मैं, तेरी गुमसुमियत में कैद हूँ मैं, मुस्कुराती हो तो आज़ाद हो जाता हूँ। हाँ, अब इस महफिल में कोई लड़की नज़र नहीं आ रही है, पर अगर होती तो ऑब्वियसली उनको डेडिकेट कर देता। तो आपके लिए एक शायरी डेडिकेट करते हैं हम। कि लोग कहते हैं बंदूकें जानलेवा होती है, लोग कहते हैं बंदूकें जानलेवा होती है, मैं पूछता हूँ क्या उनकी नजरों से नजरें भिड़ी है। अभी एक स्पीचलेस स्टेट होती है, मतलब किसी को देख लिया बस एकदम ब्लैंक, वैसे एकदम महल से जाते अपन, कभी अगर सामने आए तो ये बोलूँगा ये बोलूँगा, पर जब सही में नज़र आते एकदम ब्लैंक। तो सोचे हुए शब्द सब दम तोड़ चुके हैं, तुम्हारी आँखों में जहर है शायद, मगर फिर भी जिंदा महसूस कर रहा हूँ, ये उस खुदा के इंतजाम है शायद। अभी वो इम्पॉसिबल, किसी को देख लिया, आउट ऑफ द लीग, नहीं मैं आउट ऑफ द लीग हूँ, नहीं जमता है। तो उनके लिए, कि पता है मुझे ये मुमकिन नहीं, मगर ना जाने क्यों दिल ये दुनिया बुन रहा है। मतलब इमेजिन करते ना अपन, नहीं नहीं पूरी एकदम अलग ही स्टोरी चलती, कभी कभी शादी भी कर लेते। तो वो तो होता है। कि पता है मुझे ये मुमकिन नहीं, मगर ना जाने क्यों दिल ये दुनिया बुन रहा है, कि कायनात में ये बात रुखसत नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, चल ही नहीं सकता इस दुनिया में, कि कायनात में ये बात रुखसत नहीं, फिर भी दिल ये बात कहाँ मान रहा है, कि तू एक सच्ची कल्पना है उस खुदा की, तू एक सच्ची कल्पना है और मैं एक लेखक, शायद हमारी कहानियों का किस्सा बस कहानियों में बसा है। अभी हाँ, सब अकेले ऐसा लगता है, मतलब अंदर से सब अकेले होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लिखा थोड़ा। अरे बाप रे। हाँ, दूसरों को खुश कब तक रखोगे, पानी की प्यास कभी बुझी है क्या, किसी राजकुमार के इंतजार में दिख पड़ते हो, किसी राजकुमारी के इंतजार में दिख पड़ते हो, क्यों सपनों में भी अकेले हो क्या। अभी एक इतना हार्ड हो गया तो लाइट लेते हैं अभी एक, मतलब मिलते एक पोएट्री है, सिंपल एकदम प्लेन सिंपल, ठीक है। मिलते हैं वहाँ जुनून और ताकत के परे, जहाँ मुंह से लफ्ज निकले पर आवाज़ दिल की हो, दिल में बसे सच्चाई और बातों में जिंदगी हो, नहीं हो द्वेष कोई बस खुद की पहचान हो, रहने के लिए कमरा नहीं पूरा आसमान हो, अश्रु हो बस खुशियों के ना कोई परेशान हो, चलो मिलते हैं वहां जहां हर कोई इंसान हो। बस जाते जाते एक मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब जो भी इवेंट में जाता हूँ उसमें लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है मेरा, कि कुछ लिए नहीं लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये लेके जाना। लम्हों से छीन लो ये जिंदगी, खैरात में कहा उतना मजा है। थैंक यू।